तो गाइस यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ जो मैं मिसिंग किया था, मैंने फर्स्ट टाइम जो आया था वीडियो, उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ मिसिंग मिस हो गया था मेरा, मैं उसमें मैं बता नहीं पाया आप लोगों को और दिखा भी नहीं पाया था उस टाइम में। यहाँ का जो रेस्टोरेंट देख सकते हैं आप, ये रेस्टोरेंट्स है। और अब तो गाइस अभी हम लोग देख जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लग गया है काफ़ी। ये रेस्टोरेंट्स है और ये मेनू कार्ड है, ये मेनू कार्ड है यहाँ का। तो गाइस फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट में घुस चुके अंदर। तो गाइस ये रेस्टोरेंट का जो है पर्ची है, जो हम लोगों ने 65 रुपये का कुछ लिया है, तो अभी हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ खाने को मिलेगा, लीची दे दो और एक, हाँ दे दो, क्या क्या लेना सर। तो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, फिर हम लोग चलते हैं बाहर, उसके बाद फिर आराम से कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट बढ़िया है। तो गाइस हम लोग ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, कुछ लाइट चीज़ लिए हैं खाने के लिए, क्योंकि यार इस टाइम में ना भूख तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, और कुछ लाइट चीज़ खा लेते हैं कम से कम पेट में कुछ चला जाए, भूख खाने का फिर दिल नहीं करेगा। तो ये सब खाने खाद नॉर्मली खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा बाद में। उसके बाद फिर हम लोग अभी घूमना भी तो है, बहुत घूमना भी। तो फाइनली हम लोगों ने अभी कर लिया है, करने का मतलब क्या कि थोड़ा बहुत जो भी था खा पी के रिलैक्स हो गए, है ना सर। हाँ हाँ, काफ़ी लाइट सा, लाइट वेट कुछ खाए, जैसे कि एक चीज था और कोल्ड ड्रिंक था, वो लीची वाला लीची फ्लेवर का कोल्ड ड्रिंक था, वो हमने खा लिया। मतलब हम लोगों ने एक जस्ट समझ लीजिए सुबह जैसे उस टाइप कुछ लिया है, ज़्यादा हैवी खाना भी अभी सही नहीं रहता है, कि फिर नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है म्यूजियम का बाहर का एरिया है, हम देख पा रहे होंगे आप लोग, शीशे पूरे में शीशा लगा हुआ है इस साइड। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। आज तो पता है सर, आज म्यूजिक आज बंद है, म्यूजिक आज बंद है। ये जो गाइस देख पा रहे होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस का जो है ब्लैक कलर का टोपी जो ये पहने हुए हैं, टोपी ये रहा। तो चले सर म्यूजिक, तो ये म्यूजियम हम लोग आप लोगों को घुमा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये तलवार है और मैन तलवार दोनों रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ है, ये आई कार्ड है, ये आई कार्ड रखा हुआ है यहाँ पे इनका। कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ सर? फौज के सोल्जर, किसी सोल्जर का ये जो आई कार्ड है, नारायण सिंह नाम है इनका जो आई कार्ड है, ये देखिए। ये बैच दो तरह के इसमें जो है ना, ये सिक्का देख पा रहे हैं आप, ये जो सिक्का नहीं है, बैजेस नहीं है, ये बैच है वो लगाने वाला है ना। हाँ, ये नोट है पुराना, ये 100 रुपये और 10 रुपये के नोट है, ये पुराने जमाने के, बहुत वैल्यूएबल होंगे। हाँ, आईएनए बैग, बैंक वाइज बैजेस, ये मैं उस टाइम में ये वाले में नहीं आया था घूमने के लिए, जो उससे पहले आया था। हाँ यहाँ पे लगा, ये जो है गाइस ये सुभाष चंद्र बोस है और उनके ये पिता है फादर सन। ये जो चेक है पहले जमाने का, आजादी का, तिरंगा,
जानकारी नहीं मिली मुझे, बस ऐसे पहले जैसे कि मेरा मतलब ये है कि पहले जो ज़माने में जो कुछ हुआ उनके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया, प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो है जिस तरीके से मतलब हम लोगों के क्रांतिकारियों का जो एक पूरा वो ब्रीफ में नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं ये मेरी पर्सनल राय है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ बोल नहीं सकता, बाकी अभी और जगह भी हम लोगों को देखना है। अच्छा, तो कहाँ अभी चलना है, निजूम चलना है आपको या फिर इस साइड चलना है? जैसा आप बोलिए, किस साइड चलना बताइए, हम लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग अभी म्यूजियम छोड़ के और म्यूजियम पे नहीं जाएंगे, बाकी हम लोग इस साइड चलते हैं, इस साइड का कुछ नज़ारा देखेंगे। ये जगह फिर भी कुछ अच्छी लग रही है, अच्छी म्यूजियम में पता है कुछ खास नहीं है, जैसे कि अब एक बार बंदा घूम लिया ना तो दोबारा फिर नहीं, यहाँ पे ना जैसे तो कहते नहीं डैम्प माहौल। तो गाइस अभी तो काफ़ी चीज़ देखना बाकी है सर, अभी तो काफ़ी चीज़ देखना बाकी है, बहुत लंबा है अभी, ठीक तरह से देखा जाए तो कितने मिनट लग जाएंगे यहाँ पे, कितने घंटे लग जाएंगे घूमने के लिए? अभी हम लोग कब आए थे यहाँ पे? डे 1 बजे के आसपास, तो अभी हमें 1.5 घंटा तो हो ही गया है यहाँ पे चलते हुए, थकावट तो लग रही है। लेकिन जो गाइज है ये है मुमताज़ महल, ये महल है, कैसा लगा सर? काफ़ी अच्छी जगह है, इसकी दीवारों में बहुत अच्छी नक्काशी है, ये वॉशरूम एरिया है यार, इसको भी मतलब इसको भी एक्सप्लोर किया, अच्छा है ना। बोलिए सर, जरूरी है ना? तो गाइज यहाँ पे जो है राजा का दरबार लगता था, और यहाँ पे जितने भी और राजा हैं प्रजा यहाँ पे बैठते थे, और यहाँ पे जो है अपने जनता का जो है शिकायत वो सुनते थे, और तो ये दीवाने आम हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता था। और भी कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, तो गाइज ये देख पा रहे होंगे ये है नौबत खाना, जिसको अपने लैंग्वेज में, अभी के लैंग्वेज में जो बोला जाए तो वो है म्यूजिक घर, और पहले के लैंग्वेज में बोला जाता था नगाड़ा, क्या बोलते सर? नगाड़ा। तो यहाँ पे म्यूजिकल घर जिसको बोलते हैं हम अभी के लैंग्वेज में, वो है वो, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अभी का जो अभी भी दिखा रहा हूँ एक चीज़। तो ये वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ का पहले मैंने बना चुका हूँ वीडियो, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे हम। और अब हम लोग वापसी जा रहे हैं फिर बाहर की ओर, क्योंकि हमें अभी जाना है और भी जगह देखनी है, जामा मस्जिद हो गया, और उसके बाद फिर कहाँ जाना है सर?
तो गाइस अभी जाने वाले हैं जामा मस्जिद, उसके बाद जाने वाले हैं चांदनी चौक। तो अभी दो जगह भी कवर करना है हम लोगों को, पता नहीं फिर कब आना होगा नहीं आना होगा, आई डोंट नो। बट आज घूम के मज़ा आ गया रियली, क्योंकि सर आए थे, मैं जो आया था उस टाइम में वो मैं अकेले आया था, और इस बार जो आया हूँ मैं सर के साथ आया हूँ, कोई इत्तेफाक है नहीं सर? बहुत ही अच्छी बात कही आपने, इत्तेफाक है बिल्कुल ही कि ये मौका दोबारा मिला मुझे आने का। मुझे भी उनके साथ आने से बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इन्होंने काफ़ी यहाँ के बारे में जानकारी दी है, जैसे कि और यहाँ पे आ चुके हैं तो इनको काफ़ी कुछ पता है, और मुझे बहुत ही मतलब नई जगह घूमने का मौका मिला है। और सर कह रहे थे कि आपको कहाँ से क्या कह रहे थे आने के लिए, मुझे बोले थे ना कि वहाँ आने के लिए, वहाँ भी है ना आपके साइड? हाँ, मैं आपको अपने यहाँ लखनऊ चौक नखास छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा मीनाबाद वगैरह इन सब जगह पे आपको बुलाता हूँ। नींबू पार्क आइए कभी, आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह वहाँ भी घूमने लायक है, तो कभी आपको वहाँ आने का मौका मिले तो आप मेरे साथ आके वहाँ पर मैं आपको घुमा दूँगा, और हम वहाँ पे भी अभी एक वीडियो बनाएंगे, एक ब्लॉग बनाएंगे और उसे जल्दी अपलोड करेंगे जैसे ही हम लोग लखनऊ में एक बार एक्सप्लोर करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो गाइस ये है नहर, नहर कहने का मतलब है कि आप जैसा कि देखेंगे जो महल है, महल के चारों ओर से ऐसा ही आपको ऐसा मिलेगा। तो इस जो नहर के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, कुछ शॉर्टकट में बताएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, पर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा इस नहर के बारे में। तोप है, तोप ये लोहा का बना हुआ है ना, वो बनाए हुए कहते हैं। कुछ बताइए आप, कुछ ऐसा मोटी 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 बातें। मोस्टली नहरें उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी, ज़्यादातर बादशाह जो है अपने किले पे आक्रमण से बचने के लिए इस तरह की नहरें बनाते थे, ताकि दुश्मन सेनाएं आसानी से उनको जो है मार न कर पाए, और उनके सैनिकों को एक समय मिले उन पे बराबर प्रहार करने का। एक अच्छा, बहुत ही इधर बाढ़ वगैरह उस समय लगी हुई, पानी अभी तो पानी उनी कुछ भी नहीं है, सूखा हुआ है। हाँ, काफी, अब तो जैसे आप देख रहे हैं कि वो समय चला गया है, तो पानी वानी पूरा सूख गया है, लेकिन उस समय यहाँ पे एक तरह से नहर टाइप की हुआ करती थी, और इसको पार करना दुश्मनों के लिए काफी बहुत कठिन होता था, कठिन काम होता था, तो वो सोचते थे 10 बार इस चीज को पार करने से पहले। हाँ। और इससे जो है आपकी सेना को जो है बादशाह की सेना को एक समय मिल जाता था। अंग्रेजों ने भी जब लाल किले पे कोशिश की, लेकिन उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो सब गाइस यहाँ से आपको, तो जैसा ही गाइस सर ने सब कुछ बताया बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताया, तो आई होप मेरे को भी नहीं पता है इतने अच्छे तरीके से, तो सर के साथ आने का फ़ायदा कुछ हुआ, कंटेंट मेरे को मिला बढ़िया। तो आई होप करता हूँ गाइस कि आपको पीएम मोदी कहाँ से भाषण देता है इसमें, ऊपर ये वाला, यहाँ से तो सर कुछ बताएंगे आप कि फर्स्ट टाइम जैसे कि लाल किला का जो आपको आना हुआ, तो कभी सोचे आप सोच के आए थे कि हम लाल किला जाएंगे? नहीं, सोचा तो नहीं था वैसे। बस घूम ये सोचोगे कि बस घूमना है। हाँ, और ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। यस सर। हाँ। लेकिन तो, ये कि जो भी रहा अंदर से काफी अच्छी जगह है ये। हाँ। वैसे पता सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग जैसे कि 2 घंटे 2.5 घंटे में, 2 घंटा अगर हमने अंदर दिया है, अगर 2 घंटे हमारे लिए कम है, क्योंकि काफी ऐसी जगह है कि जिसमें हम लोग जो है इतने समय में जो है पूरा अच्छे से उसको जो है घूम नहीं सक पा रहे, अच्छे से हम लोग घूम नहीं पाए, जैसे कि कुछ जैसे रह भी गया हम लोग का, कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों से अगर छूट गई हैं तो हम लोग उसमें मतलब, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा इस बारे में जानकारी भी नहीं है, ना हमें है ना आपको भी है सर, क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम ही लाल किला आए हुए हैं, है ना सर? तो सर आप मेरे साथ आएँ, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा है। अच्छा लगा आपको? और भले अब सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है हम लोगों की जो ये भैया आपके जो हैं क्लास सर जो आपके बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, जिस तरीके से ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है हम लोगों के हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेके, और जहाँ भी ये जाते हैं उस जगह का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। इससे जो है आप लोगों को और हम लोगों को कुछ ज्ञान मिलता है कि हम लोग अगर वहाँ जाने से पहले हम लोगों को क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को उस जगह के बारे में हम थोड़ी बहुत
पहले से ही जानकारी थोड़ा हो जाए तो हम लोगों को किस वो फ़ायदा एक एडवांटेज रहता है हम लोगों के पास, तो ये सब चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, तो सर का जो दो से तीन दिन में आप चले जाएंगे है ना सर, और सर आप जो लखनऊ से आए हैं तो उस साइड पर घूमने का कुछ बहुत सारी ऐसी जगह हैं तो घूम सकते हैं वहाँ पे कभी? बहुत लखनऊ आपके समझ लीजिए बहुत ही अच्छी जगह है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाँ। वहाँ पे आप जाएंगे पुराना लखनऊ में खास चौक अमीनाबाद। हाँ। दुबग्गा आपका, इसके अलावा आपका जो है छोटा इमामबाड़ा, आपका सिकंदर बाग चौराहा, रेजिडेंसी है आपकी, बहुत ही ऐसी जगह है जो कि हम लोगों की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और जिसको अगर हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी कुछ लखनऊ के बारे में पता चलेगा, वहाँ के नवाबों के बारे में पता चलेगा, वहाँ के लोगों के रहने सहने के बारे में पता चलेगा। अच्छा, कि पहले लखनऊ में कितनी नफासत और नज़ाकत है। हाँ। और वहाँ का कल्चर कितना रिच है, गंगा जमुनी तहजीब आपको वहाँ पर नज़र आएगी। अच्छा। सब लोग एक दूसरे के जो तो एक बात बताइए सर, आप ये जैसे कि आप यहाँ पे आए, आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ देखने को मेरे को मिलेगा इंडिया गेट के अंदर, इंडिया गेट कह रहा हूँ सर, लाल किला के अंदर? मुझे लाल किला के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी आए हैं, हमारे देश के सब तरफ से लोग घूमने आए हैं, वो लोग भी जानना चाहते हैं कि लाल किले में जो है हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और इसका महत्व है, हमारे आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे वो भी इसी से जुड़े हुए थे, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं फिर सर, कोशिश यही करूँगा कि दोबारा यहाँ पे आने का मौका मिले। तो गाइज ये है सुनहरी मस्जिद, ये अभी चालू है, नमाज का टाइम शायद ख़त्म हो गया है और यहाँ पे पुरानी मस्जिद है, पुराने टाइम की मस्जिद है, ये देख सकते हैं। उस टाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं अभी आ गया हूँ, जाने का टाइम हो गया है मेरा बाहर, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये दो नंबर गेट के पास पड़ता है यहाँ पर, ये दो नंबर गेट है और यहीं पर ये जो है मस्जिद है और यहाँ से अंदर काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको अंदर वो एंट्रेंस गेट जो फिर अंदर की ओर आप जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आपको अगर घूमना हो तो प्लीज़ दिल्ली में कभी घूमने आए आप तो लाल किला घूमना ना भूलें आप। थैंक यू सो मच, करता हूँ जय हिंद जय भारत, नमस्कार। मैं आपको अब जाने वाले को दिखाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।